Assalamu alaikum. Good morning, students of class 6. Open your page number 23. On page number 23, today we work on question number 5 and question number 6 from exercise 1.8. First of all, open your maths copies and maintain your page like this. First, write down complete date here, exercise 1.8, page number 23. Exercise and page number aapko last bhi mention karna hai, then make a line properly, write down complete question number 5 here. स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है वो है इफ 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6093 किलोमीटर फाइंड इन किलोमीटर एक्सेट्रा द वैल्यू ऑफ 5.2625 माइल्स. उन्होंने कहा अगर 1 माइल जो है वो 1.6093 किलोमीटर के बिल्कुल इक्वल है तो अगर आपके पास 5.2625 माइल्स होंगे तो वो किलोमीटर के अकॉर्डिंग किस मतलब कितनी वैल्यू रखेंगे या वो किलोमीटर के अकॉर्डिंग कितना इक्वल आएगा आपको यहाँ वो बताना. ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ. उन्होंने कहा कि 1 माइल जो है वो 1.6093 किलोमीटर के बराबर है तो अगर आपके पास 5.2625 माइल्स होगी तो किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या होगी, वो उसके कितने किलोमीटर के इक्वल आएगा, ये माइल आपको वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ. अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो फुल स्टेटमेंट में गिवन है, यानी कि प्रॉब्लम फुल स्टेटमेंट में गिवन है तो उसका आंसर भी जो है वो हम स्टेटमेंट में ही राइट करते हैं. जिसके लिए हम सबसे पहले क्या राइट करते हैं, डेटा राइट करते हैं. डेटा में हम क्या राइट कर रहे होते हैं, डेटा में हम टू थिंग्स राइट करते हैं, जो चीज़ हमें फाइंड आउट होती है वो भी राइट करते हैं, यानी कि जो चीज़ हमारे पास गिवन होती है वो भी राइट करते हैं और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है हम वो भी राइट करते हैं. ओके, तो हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, हमारे पास 1 माइल गिवन है कि 1 माइल जो है वो इतना किलोमीटर बराबर होता है. तो हम सबसे पहले उसे राइट करेंगे, 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6093 किलोमीटर. इसी तरीके से 5.2625 माइल इज इक्वल्स टू डैश किलोमीटर, क्योंकि हमें वो किलोमीटर फाइंड आउट नहीं है अब तक तो वो किलोमीटर हम फाइंड आउट खुद से करेंगे. जब आपके पास 1 माइल की क्वांटिटी जो है वो 1.6093 किलोमीटर गिवन है तो 5.2625 माइल जो है वो कितना किलोमीटर होगा ये हम कैसे फाइंड आउट करें, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब उन्होंने कहा 1 माइल इतने किलोमीटर के बराबर होता है तो जो हमारे पास गिवन माइल है 5.2625 माइल जो है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6093 किलोमीटर के. क्यों 1.6093 किलोमीटर से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो 1 माइल के हमारे पास गिवन है क्वांटिटी कि 1 माइल जो है वो इतना किलोमीटर के बराबर होगा. जब 1 माइल उतना किलोमीटर के बराबर होगा तो 5.2625 जो है वो कितना किलोमीटर बराबर होगा, उसके लिए हम 5.2625 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6093 से. ओके, जब हम इसको उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी किलोमीटर की. सो हमने दोनों थिंग्स राइट कर दी, अब हम क्या राइट करेंगे, सॉल्व राइट करेंगे. सॉल्व में हम क्या प्रोसेस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ. किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5.2625 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.6093 से. ओके, नाउ मैं आपको मल्टीप्लाई करके शो करूँगी कंप्लीट. 5.2625 मल्टीप्लाई बाय 1.6093. जब भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं डेसिमल में, डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास जो गिवन होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल के नीचे डेसिमल आप ना भी राइट करो तो भी वहाँ पर जो है वो कोई कन्फ्यूजन नहीं होती. सबसे पहले हम टोटली मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में अपने डेसिमल को राइट करते हैं, वो कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल राइट किया जाता है. ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले 3 से स्टार्ट करने जा रही हूँ. 3 5 15 का 5 यहाँ राइट किया, 1 कैरी कर दिया. ओके, 3 2 6 1 प्लस के कितना हो जाएगा 7. 3 6 18 18 का 8 राइट किया, 1 कैरी कर दिया. 2 3 6 1 प्लस के कितना आ जाएगा 7. 3 5 15. नाउ सेकंड रन स्टेप के लिए राइट हैंड साइड के फर्स्ट डिजिट के नीचे जो है वो एक क्रॉस मेंशन कर देंगे. नाउ 9 से करेंगे. 9 5 45 5 हमने यहाँ राइट किया, 4 हमने कैरी कर दिया. 9 2 18 18 में जब आप 4 प्लस कर लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 19 20 21 22 कितना आ जाएगा 22. 22 का 2 हमने कैरी कर दिया और 2 हमने यहाँ नीचे राइट कर दिया. नाउ 9 6 54 54 में 2 प्लस कर लीजिए कितना आ जाएगा 56. तो 6 हमने यहाँ राइट किया, 5 जो है नेक्स्ट नंबर को कैरी कर दिया. नाउ 9 2 18 18 में 5 प्लस कर लीजिए 19 20 21 22 23 कितना आ रहा है 23. 23 का 2 हमने ऊपर राइट कर लिया और 3 हमने नीचे राइट किया, यानी कि 2 हम कैरी कर देते हैं. नाउ 9 5 45 45 में 2 प्लस कर लीजिए 46 46
47 कंप्लीट राइट कर देंगे क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है उसके ऊपर हम कैरी कर सकें। नाउ थर्ड वन स्टेप के लिए हम टू क्रॉस मेंशन करेंगे राइट हैंड साइड पे। नाउ जीरो से करना है, जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है। जीरो फाइव ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो टू ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो सिक्स ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो टू ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो फाइव ज़ा ज़ीरो। नाउ फोर्थ स्टेप के नीचे जब फोर्थ स्टेप स्टार्ट करते हैं तो कितने क्रॉस मेंशन करते हैं, थ्री क्रॉस मेंशन करते हैं राइट हैंड साइड से। ओके नाउ सिक्स से करेंगे, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, थर्टी का ज़ीरो हमने यहाँ राइट किया, थ्री कैरी कर दिया नेक्स्ट नंबर पर। सिक्स टू ज़ा 18, 18 में जो है सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व में आप थ्री प्लस कर लीजिए, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, कितना आ जाएगा 15, 15 का फाइव हमने यहाँ राइट किया, वन जो है हमने कैरी कर दिया। नाउ सिक्स सिक्स ज़ा 36, 36 में वन प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 37। नाउ सिक्स टू ज़ा 12, 12 में जो है वो थ्री प्लस कर लीजिए, 13, 14, 15 आ गया अगेन, 15 का फाइव यहाँ राइट किया, वन हमने आगे कैरी कर दिया। नाउ सिक्स फाइव ज़ा 30, 30 में वन प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 31। ओके नाउ लास्ट स्टेप है फिफ्थ स्टेप, उसके लिए हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड के फोर डिजिट के नीचे क्रॉस मेंशन कर देंगे। नाउ वन से करेंगे, वन फाइव ज़ा फाइव, वन टू ज़ा टू, वन सिक्स ज़ा सिक्स, वन टू ज़ा टू, वन फाइव ज़ा फाइव, अब हम प्लस कर लेंगे। ठीक है फाइव एज इट इज़ आ गया, फाइव में जब सेवन को प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12, 12 का टू हमने यहाँ राइट किया, वन कैरी कर दिया। नाउ एट एंड टू कितना हो जाता है 10, 10 में वन प्लस के 11, 11 का वन यहाँ राइट किया, वन कैरी कर दिया। नाउ सेवन और वन एट, एट में सिक्स प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 14, 14 का फोर हमने यहाँ राइट किया, वन कैरी कर दिया। नाउ फाइव एंड थ्री कितना हो जाता है, फाइव एंड थ्री एट, एट में आप फाइव प्लस कर लीजिए, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, थर्टीन में फाइव प्लस कर लीजिए 18, 18 में वन प्लस किया तो कितना आ जाएगा 19, 19 का नाइन हमने यहाँ राइट किया, वन हमने कैरी कर दिया। नाउ सेवन एंड सेवन 14 हो जाता है, ठीक है 14 में टू प्लस कर लीजिए 15, 16, वन प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा सेवन और सेवन 14, 15, 16, वन प्लस किया 17, 17 में वन प्लस कर लेंगे कितना आ जाएगा 18, 18 का एट हमने यहाँ राइट किया, वन कैरी कर दिया। नाउ फोर एंड फाइव कितना हो जाता है 9, 9 में फाइव सिक्स प्लस कर लीजिए 15, 15 में वन प्लस किया 16, 16 का सिक्स हमने यहाँ राइट किया, वन कैरी कर दिया। नाउ टू, थ्री एंड फोर, ठीक है फोर आ गया, और नाउ फाइव एंड थ्री कितना हो गया 8 हो गया। सो जब कंप्लीट आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप डेसिमल शो करेंगे। डेसिमल कैसे शो करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, सबसे पहले हम जो हमारे पास जिस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं टू टर्म्स आपके पास यहाँ गिवन होती है, ठीक है एक तो मल्टीप्लिकेंट है और एक मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर के दोनों के राइट हैंड साइड से डिजिट्स काउंट कर लेते हैं कि कितने डिजिट्स के बाद जो है वो डेसिमल मेंशन है, और दोनों में दोनों के जितने भी डिजिट के बाद डेसिमल गिवन होता है उन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। जैसे राइट हैंड साइड से मैं फर्स्ट वन टर्म की फर्स्ट वन जो आपके पास वैल्यू गिवन है उसका डेसिमल काउंट करने जा रही हूँ, राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं कितने डिजिट के बाद है, वन टू थ्री फोर डिजिट के बाद है, और जो आपका मल्टीप्लायर है उसमें भी किसके बाद है, वन टू थ्री फोर डिजिट के बाद है, यानी कि दोनों साइड पे आपके पास फोर एंड फोर डिजिट के बाद है। फोर एंड फोर कितना हो जाता है एट डिजिट हो जाता है, तो आंसर पे भी हम कितने डिजिट्स के बाद मेंशन करेंगे एट डिजिट के बाद मेंशन करेंगे राइट हैंड साइड से भी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। सो जब हमने कंप्लीट मल्टीप्लाई किया 5.2625 को 1.6093 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर क्या आ गया 8.4689415, ठीक है यानी कि 5.2625 माइल जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर है 8.4689415। क्लियर है बात यहाँ तक। नाउ हमने आंसर को जो है वो फुल स्टेटमेंट में राइट करेंगे जिसके लिए हम मेंशन करेंगे आंसर की हेडिंग। नाउ मेंशन करेंगे 5.2625 माइल्स इक्वल टू 8.4689415 किलोमीटर, यानी कि 5.2625 माइल जो है वो 8.4689415 किलोमीटर के इक्वल है। क्लियर हो गई हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 5 जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको प्रॉब्लम नंबर 5 अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रही हो। कॉपी में बिल्कुल आप इसी वे में वर्क मेंशन करेंगे जिसमें मैं आपको वर्क शो कर रही हूँ, डेटा सॉल्व एंड आंसर। ओके नाउ प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 के लिए आप नेक्स्ट पेज मेंटेन करोगे लाइक दिस। प्रॉब्लम नंबर 6 जो आपके पास गिवन है वो है द टॉप ऑफ अ टावर 48.75 मीटर हाई
is reached by 325 step. Find the height of each step. उन्होंने आपसे ये कहा है कि एक टावर की जो टॉप है उसकी हाइट है 48.75 मीटर, ठीक है. और उन्होंने दूसरी बात आपसे ये कही, इज रिच्ड बाय 325 स्टेप, यानी कि जो टावर की जो टॉप है वहाँ तक जो पहुँचा जाता है वो 325 स्टेप्स है. यानी कि जब टोटल 325 स्टेप्स लिए जाएंगे तो वो टॉप ऑफ द टावर पे चले जाएगी बात, और जब टॉप ऑफ द टावर पे चले जाएगी तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 48.775 मीटर. ठीक है, 75 रीड नहीं करते, 75 रीड करते हैं डेसिमल के बाद, 48.75 मीटर हाई. ठीक है, फिर उन्होंने कहा फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टेप, हर एक स्टेप की हाइट कितनी होगी आपको वो फाइंड आउट करना है. जबकि उन्होंने आपसे ये कहा है 325 स्टेप्स लेंगे तो टावर के टॉप पे चले जाएंगे जिसकी हाइट क्या है, 48.75 मीटर है. फिर उन्होंने आपसे दूसरी चीज़ ये कही हुई है यहाँ पर, फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टेप, हर एक स्टेप की हाइट कितनी होगी. अगर 325 की स्टेप जो है 48.75 मीटर है तो हर एक स्टेप की हाइट कितनी होगी आपको वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम यहाँ क्या प्रोसेस करेंगे, यहाँ हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे. क्यों डिवीजन का प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको 325 स्टेप्स की कंप्लीट हाइट बता दी है जबकि आपसे हर एक स्टेप की हाइट फाइंड आउट करने के लिए कहा है. जब आपको बहुत सारे स्टेप्स की हाइट बता दिया और एक स्टेप की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो इसलिए हम वहाँ क्या करेंगे, डिवीजन का प्रोसेस करेंगे. लेकिन डिवीजन के प्रोसेस से पहले हम डेटा राइट करेंगे. ओके, डेटा में हम क्या राइट करते हैं, डेटा में हम टू थिंग्स राइट करते हैं, जो चीज़ हमारे पास गिवन होती है हम वो भी राइट करते हैं, और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है हम यहाँ पर वो भी राइट करेंगे. ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, टावर की जो टॉप है उसकी हाइट गिवन है, ठीक है, और स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन है. तो हम राइट करेंगे इसको कैसे, टॉप ऑफ अ टावर हाइट इज इक्वल्स टू 48.75 मीटर. ओके, नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल्स टू 325. टोटल स्टेप्स कितने गिवन थे, 325 गिवन थे, तो मैंने क्या राइट किया, नंबर ऑफ स्टेप्स यानी कि जो टोटल स्टेप्स गिवन थे वो कितने थे, 325. ये दोनों चीज़ें जो है वो आपके पास गिवन थी. अब फाइंड आउट क्या करना है हमें, हाइट ऑफ ईच स्टेप. तो कैसे राइट करेंगे, हाइट ऑफ ईच स्टेप इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क राइट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है. अब हम क्या राइट करेंगे, सॉल्व की हेडिंग मेंशन करेंगे, सॉल्व में हम क्या प्रोसेस करेंगे, सॉल्व में हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे, किसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, 48.75 को डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल स्टेप से, यानी कि 325 से. जब आप टोटल स्टेप से इसको डिवाइड करवा देंगे, यानी कि जो टोटल हाइट आपके पास गिवन है, जो टोटल मीटर आपके पास गिवन है, उसको आप डिवाइड करा दोगे टोटल स्टेप से. जब आप टोटल स्टेप से आप डिवाइड करा देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हाइट ऑफ ईच स्टेप कहलाएगा. ठीक है, अब यहाँ डिवाइड करके मैं आपको शो कर रही हूँ, 48.75 डिवाइडेड बाय 325 गिवन है, 48 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है एज कम्पेयर टू 325, तो इसलिए डिवाइड नहीं हो सकता, हमें 7 भी साथ लेना पड़ेगा. जब 7 साथ लेना है, लेकिन 7 से पहले आपके पास क्या गिवन है, डेसिमल गिवन है, तो डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर देंगे सबसे पहले, फिर 7 हम 8 के साथ दे सकते हैं. तो डेसिमल को रिमूव कैसे करना है, डेसिमल हमने यहाँ से रिमूव किया और हम उसको क्वेटन के साइड पर लिख देते हैं 0 पॉइंट करके. ठीक है, 0 क्यों मेंशन करते हैं, ताकि हमें क्लियर हो सके कि यहाँ क्या है, डेसिमल है यानी कि पॉइंट है. तो डेसिमल यहाँ से रिमूव हुआ और हमने उसको क्वेटन वाली साइड पर मतलब क्वेटन वाली साइड पे राइट कर दिया. रिमूव करके हमेशा क्वेटन वाली साइड पे ही राइट करते हैं. नाउ अब आपके पास डेसिमल रिमूव हो गया, तो आप कंप्लीट वैल्यू क्या ले लेंगे, 487 हम कम्प्लीटली ले लेंगे. ओके, सो 325 को जब आप 1 से करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 325 1 = 325, क्योंकि 325 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ज़्यादा आएगा. या तो हम इक्वल नंबर लेते हैं या नियरेस्ट नंबर लेते हैं. तो इक्वल नंबर हमारे पास यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन नियरेस्ट नंबर गिवन है और वो क्या है, 325 है, जो कि 1 टाइम में आएगा. 325 1 = 325. नाउ लेस कर देंगे, अब 7 में से 5 को लेस किया, रिमेनिंग रह गया 2. 8 में से 2 को लेस किया, रिमेनिंग रह गया 6. 4 में से 3 को लेस किया, रिमेनिंग रह गया 1. नाउ 162 रिमेनिंग रह गया. अब जो आपके पास लास्ट डिजिट गिवन है हम उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, यानी कि 1625 को डिवाइड करना है 325 से. तो 1625 325 में आता है, जी बिल्कुल आता है. कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में आता है. या मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी शो कर देती हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे. 325 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 2+ किया कितना आ जाएगा 12, 5 3 = 15, 1+ किया 16, 325 5 = 160
मतलब 1625. सो 325 फाइव 1625. नाउ लेस कर देंगे, रिमेनिंग क्या रह जाएगा? जीरो. ठीक है, यानी कि हर एक स्टेप की जो हाइट आई है वो कितनी आ गई? 0.15 आ गई है. क्लियर है बात यहाँ तक? ना अपने आंसर को जो है वो कंप्लीट स्टेटमेंट में राइट करेंगे. आपसे क्या आस्क किया गया था यहाँ पर? फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टेप. तो क्या राइट करेंगे? हाइट ऑफ ईच स्टेप इज इक्वल्स टू 0.15 meter. ठीक है, हर एक स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है? 0.15 meter है. क्लियर हो गई बात? सो स्टूडेंट, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 भी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है. आई होप आपको प्रॉब्लम नंबर 6 अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रही हो. ओके, कॉपी में वर्क अटैम्प्ट करना है, बिल्कुल इसी वे में वर्क अटैम्प्ट करेंगे जिस वे में मैं आपको यहाँ वर्क शो कर रही हूँ. आई होप आपका आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रही हो. टुडे क्लास इज फिनिश नाउ. थैंक यू.